प्रियंका, आप सभी का स्वागत करती हूं आपका खास चैनल लेक्स 9 न्यूज़ भोजपुरिया का खास प्रोग्राम पब्लिक डिमांड। जी हां, पब्लिक डिमांड का ये प्रोग्राम बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल होता है, बहुत ही अलग है, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम आपको किसी भी फिल्म, किसी भी भोजपुरी फिल्म ट्रेलर, सॉन्ग, ये तो रिलीज़ होता है उसके बारे में जानकारी बताते ही हैं, साथ ही साथ हम आपको बताते हैं कि अगर जो वो फिल्म ट्रेलर रिलीज हुई है तो उस पर दर्शकों की क्या राय है, दर्शकों का क्या विचार है, दर्शकों की क्या सोच है, और हम कोशिश करते हैं कि इस प्रोग्राम में आपको वो सारी जानकारियाँ दें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की। आज मैं आपको एक ऐसे खबर के बारे में बता रही हूँ जो कि आपको हैरान कर देगा, जो कि आपको सच में उस खबर पर आपको यकीन नहीं होगा। देखिए, कुछ समय पहले हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के देसी हीरो कहे जाने वाले यानी कि खेसारी लाल यादव का हिंदी गाना रिलीज़ हुआ था, तुझे दिल लगी। जी हाँ, जो कि पहले भी ये गाना आ चुका है हिंदी में, लेकिन खेसारी लाल यादव ने अपनी आवाज़ में फिर से इस गाने को गाया और ये गाना दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था, काफ़ी ज़्यादा ये दर्शकों को खेसारी लाल की आवाज़ में ये गाना पसंद आया। तो वहीं अब इस गाने को, जी हाँ, उस गाने को 1 मिलियन लोगों ने देख लिया है, 10 लाख से ऊपर लोग देख चुके हैं उस गाने के ऑडियो में, जब खेसारी लाल की तरफ से वो गाना गाया गया था। तो वहीं अब उस गाने का वीडियो आ चुका है। जी हाँ, वीडियो अगर जो बात करें तो ये गाने का वीडियो रिलीज़ किया गया था 21 मार्च को ये गाना रिलीज़ किया गया था वीडियो को, और रिलीज़ किए लगभग एक सप्ताह से ज़्यादा हो चुका है, 10 या 11 दिन हो चुका है इस फिल्म का वीडियो रिलीज़ कर चुका। लेकिन जिस तरीके से इस फिल्म के, माफ़ी चाहेंगे, इस गाने के ऑडियो में पसंद किया जा रहा था, लोगों ने पसंद किया, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, उतना अच्छा, उतना बेटर खेसारी लाल के वीडियो में वो गाने को रिस्पांस नहीं मिला। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि खेसारी लाल का कोई गाना 1 लाख तो छोड़िए 50,000 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाया है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, खेसारी लाल का वो गाना एक हफ्ते में सिर्फ 35,000 व्यूज़ पर अटका पड़ा है। 35,000 व्यूज़ कभी आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते थे, खेसारी के नाम से कोई भी गाना हो, कोई भी फिल्म हो, कोई भी एल्बम हो, वो एक दिन में 1,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 6 लाख, इतने तक का आंकड़ा क्रॉस करी है। लेकिन उनका गाना वीडियो में नहीं चला, बिल्कुल भी नहीं चला, फ्लॉप रहा गाना। और इसका सबसे बड़ी वजह है जो लगी, हमें जो लगी, हमें नहीं पता दर्शकों की तरफ से क्या सोच थी, क्यों गाने को पसंद नहीं किया गया। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब उस गाने को वीडियो में इतना पसंद किया गया तो ऑडियो में इतना पसंद किया गया तो वीडियो में क्यों नहीं? जी हाँ, वीडियो में इसलिए इस गाने को पसंद नहीं किया गया क्योंकि ये गाना वीडियो में खेसारी लाल यादव मौजूद नहीं है। जी हाँ, खेसारी लाल यादव ने उस गाने में ना ही उस गाने के वीडियो में कोई रोल दिया है, ना ही उसे दिखाया गया है उस वीडियो में। देख, अगर जो मैं बात करूँ तो नॉर्मल एक एक्टर है, एक एक्ट्रेस है जो कि इस गाने के बोल पर एक्टिंग करते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं पर भी हमारे इस गाने में हमारे खेसारी लाल यादव नज़र नहीं आ रहे। और जहाँ तक मेरा मानना है, ये सिर्फ गाने का फ्लॉप होने का सबसे बड़ी वजह इस गाने का फ्लॉप होने का वही है कि ये गाना उतना खेसारी लाल की वजह से हिट नहीं हो पाया। हिट तो छोड़िए, अच्छा, अच्छी तरीके से इस गाने को रिस्पांस भी नहीं मिला। तो ये बात तो मुझे ऐसा लगता है कि खेसारी लाल को ये गाने देखने के बाद अंदाज़ा लग गया होगा कि खेसारी लाल यादव के जो दर्शक हैं उन्हें उनके गाने और फिल्मों से ज़्यादा उनके चेहरे, उनके एक्टिंग से उन्हें पसंद है। तो उम्मीद करती हूँ कि खेसारी लाल जब भी अब नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो सॉन्ग लेकर आएंगे तो उसमें अपनी एक अलग भूमिका देंगे ताकि दर्शक उस गाने को सुने और पसंद करें, क्योंकि आपकी पहचान आपकी गायकी है, आपका जो एक्टिंग है, आपकी जो हुनर है, आपकी जो कलाकारी है, वही है। चलिए आप देखते हैं इस गाने में, वैसे आपको मैं बता ही चुकी हूँ कि जो खेसारी लाल का गाना है तुम्हें दिल लगी, वो एक रोमांटिक सॉन्ग है, एक रोमांटिक में बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है, बहुत प्यारी तरीके से उस गाने के वीडियो में भी उसे दर्शाया गया है। लेकिन अब बात करते हैं दर्शकों की, आखिर दर्शकों की तरफ से इस गाने का क्या रिस्पॉन्स मिला है। 217 टोटल कमेंट्स हैं इसमें, जिसमें से इस गाने को 1200 लोगों ने लाइक किया है तो 77 लोगों ने मात्र डिसलाइक कर दिया है। आशीष कुमार ऑफिशियल ने लिखा है, सो लवली एंड ब्यूटीफुल सॉन्ग बा, लव यू खेसारी भैया,
वहीं पर आशीष ने लिखा है, दिल छू गई हो, लव यू खेसारी भैया। आगे भी आशीष के काफ़ी सारे मैसेजेस हैं। और उसके बाद महेश यादव ने लिखा है, महेश यादव ने लिखा है नाइस वीडियो सॉन्ग। महेश यादव ने लिखा है, इस गाने में खेसारी जी होते तो बहुत मज़ा आता। देखिए मैं आपको जो बात कह रही थी वही बात आपको यहाँ पर आ भी गई। दर्शकों की यही डिमांड है, दर्शक आपको देखना चाहते हैं, आप दर्शकों को दिखेंगे तभी वो फिल्म चाहे वो गाना चलेगा। ऐसे आपका फिल्म और आपके गाने की कोई वैल्यू नहीं है। तो देखिए दर्शकों के दिल में क्या है हमें पता है। आगे बढ़ते हैं, महेश का ही मैसेज अगर जो पढ़े तो चांदनी सिंह ने लिखा है, महेश यादव सिर्फ उन्होंने अपना नाम लिख के छोड़ा है। वहीं पर मुकेश ने लिखा है, नाइस भैया। और खेसारी एंटरटेनमेंट में लिखा है, मैं आपका अलावा किसी और की वीडियो नहीं देख सकता हूँ भैया, आप प्लीज़ अपनी वीडियो ही शेयर कीजिए, उन्होंने ऐसा लिखा है। वहीं पर लिखा है अनन्या वीडियो ने लिखा है, खेसारी एंटरटेनमेंट सिंह में भी भैया खेसारी भैया अलावा मैं किसी के भी गाने नहीं सुन सकता, वीडियो नहीं देख सकता। मैं आपको बार बार वही रिपीट कर रही थी कि ये वीडियो के ना चलने की वजह है सिर्फ और सिर्फ खेसारी लाल का इस गाने में कोई भी प्रतिभा, कोई भी भागदारी नहीं होना। वहीं पर खेसारी एंटरटेनमेंट की तरफ से बिजू सिंह ने ही लिखा है, आपका हिंदी सॉन्ग बहुत अच्छा लगा खेसारी भैया, आई लव यू सो मच। वहीं पर आगे बढ़ते हैं, एक्टिंग किंग ने लिखा है, लव इट एंड वीडियो सॉन्ग। आगे बढ़ते हैं, बालू पासवान ने लिखा है, सुपर हिट हिंदी सॉन्ग बा खेसारी भैया जी, अगर वीडियो में आप होते तो बहुत अच्छा लगता। मैं आपको बार बार रिपीट कर रही थी, आपको बार बार ये बता चुकी थी कि ये गाने में खेसारी लाल का होना एक अलग ही बात होती, एक अलग ही तरीके की एंटरटेनमेंट बात होती। आगे बढ़ते हैं, कुणाल शर्मा ने लिखा है, लड़की बहुत अच्छी है, खेसारी भैया होते तो ये गाना और भी पसंद आता दर्शकों को, नाइस सॉन्ग खेसारी भैया। राहुल सिंह ने लिखा है, कुमार बिरू ने लिखा है, बेस्ट ऑफ गाना, मैं बहुत ही छोटे भैया खेसारी लाल बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हैं। सरोज पंडित ने लिखा है, वेरी हिट वीडियो खेसारी भैया, आई लव यू। अमित कुमार ने लिखा है, सॉन्ग मस्त, सिंगर मस्त बा, हीरो भी मस्त, पर हीरो मस्त नहीं थे, यानी कि इस वीडियो की उन्होंने थोड़ी निंदा कर दी है। वहीं पर सुपर सॉन्ग फॉर दिस सॉन्ग ऑफ हिंदी, इन्होंने लिखा है कृष्ण वर्ल्ड वाइज म्यूजिक ने। तो वहीं पर सचिन सिलमानी ने लिखा है, नाइस वीडियो एंड वेरी नाइस सॉन्ग। वहीं पर रॉबल स्टार खेसारी लाल ने लिखा है, सुपर डुपर सॉन्ग। खेसारी वर्ल्ड की तरफ से, खेसारी भैया वीडियो में आप खुद होते तो ये वीडियो काफ़ी अच्छा होता। देखिए हर जगह पर, हर वीडियो, हर दो तीन कमेंट के बाद ये कमेंट आप दर्शकों की तरफ से आपको देखने को मिल ही रहा है कि अगर जो इसमें खेसारी होते तो डेफिनेटली ये गाना दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कोई अगर जो स्पेशल गाना मैसेज आए तो हम बात करते हैं। वहीं पर है आगे, सिंग लव विद का है, जो मैं जियो खेसारी भैया बहुत ही अच्छा गाना गाया है, दिल को छू गया ये वीडियो। आगे बहुत से ऐसे मैसेजेस हैं, हर कोई अच्छा मैसेज ही किया है, लेकिन ज़्यादातर लोगों की ये मैसेज है कि इसमें अगर जो खेसारी भैया होते तो ये गाना दर्शकों को और भी पसंद आया। बहुत ही अलग तरीके से इस गाने को पेश किया गया था, बहुत मुझे यकीन ही नहीं हो पा रहा है कि किसी खेसारी का ये गाना इतना दर्शकों को ना पसंद आया, लेकिन जब इसकी सच्चाई हमें पता चली, जब हमने जो हमारे दर्शक होते हैं उनके दिल की बात देखी, तो हमें पता चला कि आखिरकार ये गाना का फ्लॉप होने का वजह क्या है। इसके बाद देखिए, खेसारी एक ऐसे सुपरस्टार है जिनकी गायकी तो उनकी पहचान है ही, जिनकी कलाकारी उनकी पहचान है ही, और दर्शक सिर्फ और सिर्फ खेसारी को देखना चाहते हैं। चलिए ये तो था आज का प्रोग्राम, आज के मुद्दे। अब बात करते हैं उन मैसेजेस के बारे में जो कि दर्शक हमें लिखकर भेजा है उन्होंने अपने अपने सुपरस्टार्स के लिए, अपने जो उनके फैंस होते हैं उनके लिए। लास्ट के प्रोग्राम में हमने बताया था कि थ्री इडियट जैसे बॉलीवुड में बनिया से तीन बकलोल बना था भोजपुरी में, जिसपे हमारी तरफ से काफ़ी अच्छी तरीके से हम दर्शकों की तरफ से उसको परमिट मिला था। अब इसमें मैसेजेस आए, सबसे पहले जिसमें सुधीश यादव ने नाइस भेजा है, उसके बाद अमनदीप ने लिखा है, नाइस जोड़ी भोजपुरी, राजा पवन सिंह एंड नक्शा जी ने, और
बहुत ही अच्छा है आपकी जोड़ी, मैं आपसे दुआ करता हूँ आपकी जोड़ी ऐसी रही। पर दुल्हन गंगा पार का ट्रेलर सुपर डुपर हिट है, इसलिए प्रीति यादव की फिल्म है मेरी पूरी हिट कर रहेगी फिल्म, खेसारी के बदले में ही नहीं। खेसारी तो मैं देखता हूँ, खेसारी को तो मैं देखता भी नहीं हूँ, लेकिन उसकी बेटी की बेटी को बहन बनाते हैं, माफ़ी चाहेंगे, उन्होंने लिखा है फिल्म कोई भी लेकिन देखता नहीं, और उसकी बहन, जी हाँ उनकी बेटी है, इसलिए वो फिल्म को देखना पसंद करते हैं। और वाकई ही इसमें कृति ने बहुत बड़ा, बहुत ही अच्छा एक्टिंग किया है। चलिए आज के खास प्रोग्राम में इतना ही, ऐसे कमेंट लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ भोजपुरिया, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। नेक्स्ट नाइन न्यूज़ भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।